बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम यूनिट नंबर 1 फिजिक्स का स्टडी करेंगे। पहला प्रॉब्लम जो हमारे पास गिवन डाटा है उसमें देखिए जो टाइम पीरियड है दैट इज 0.02 सेकंड और हमने कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का जो हमने डेफिनेशन स्टडी किया तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास हो जाएगा एफ इक्वल्स टू 1/T। तो हमारे पास 1/T, 1 as t जो हमारे पास गिवन डाटा में था टाइम पीरियड दैट इज 0.02 सेकंड, इनको डिवाइड करेंगे 1/0.02 तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी एज 50 हर्ट्स। हर्ट्स क्या होता है जी, एज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था हमारे पास पहला। प्रॉब्लम नंबर 2 में जो हमारे पास गिवन डाटा है जी वो ये है कि द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 84 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने की जो लेंथ की ऐसे यूनिट होती है दैट इज मीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 84 × 10⁻²। तो दूसरा गिवन है जी ग्रेविटी ऑन अर्थ GE दैट इज 9.8 m/s². यहाँ तक तो आपको हो गया जी गिवन डाटा। अब आगे देखें, आगे लिखा हुआ जी व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड इफ इट इज़ टेकन टू द मून वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 टू दैट ऑफ द अर्थ। तो हमने कैलकुलेट करना है इसका टाइम पीरियड ऑन मून। तो ग्रेविटी ऑन मून जो है दैट इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, GE/6 हो जाएगा। जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 टू दैट ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो GE/6 हो जाएगा। तो GE की वैल्यू हमारे पास होती है 9.8, ग्रेविटी ऑन अर्थ दैट इज 9.8 अवर 6, क्योंकि ये 1/6 था। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटी ऑन मून आ जाएगी दैट इज 1.63 m/s². तो हमने कैलकुलेट करना है जी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास होता है जो आपने स्टडी किया था T=2π√L/g। यहाँ पे gm आ जाएगा चूँकि जो ग्रेविटी होगी हमने मून की ग्रेविटी यहाँ पे यूज़ करनी है उसके अकॉर्डिंग, चूँकि सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू द मून ये हमारी प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में था। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2π की वैल्यू 3.14 √, लेंथ हमारे पास थी 84 सेंटीमीटर, तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया दैट इज 0.84। ये हमारे पास ग्रेविटी ऑन मून था 1.63। वैल्यू पुट करेंगे तो इसको सिंपल कैलकुलेट करके तो हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। मेन चीज़ होती है न्यूमेरिकल का फार्मूला एडजस्ट करना या फार्मूला सिलेक्ट करना, अगर आपको वो आ जाए तो बाकी काम कैलकुलेशन बहुत आसान होती है इसकी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 में हमें गिवन है जी वेवलेंथ ऑफ द साउंड एमिटेड बाय अ सोर्स इज, वेवलेंथ को डिनोट करेंगे लैम्डा से विच इज ग्रीक लेटर दैट इज 1.7 × 10⁻²⁻ m। तो वेलोसिटी भी गिवन है हमें स्पीड ऑफ साउंड दैट इज 334.4 m/s², तो हमने कैलकुलेट करनी है इसकी फ्रिक्वेंसी। आप देखें ऐसा फार्मूला जिसमें वी भी हो एफ भी हो और वेवलेंथ भी हो दैट इज़ ओनली वी इक्वल्स टू एफ लेमडा, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। क्योंकि तीनों चीज़ें जो आपको गिवन है वो लिखेंगे उसके बाद आपको फार्मूला एडजस्ट करने में आसानी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ये तीनों टर्म यूज़ होती हूँ। वी इक्वल्स टू एफ लेमडा, यहाँ पर हमने कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी, तो वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब वी के साथ आगे शिफ्ट करेंगे इसको लेफ्ट साइड पे तो डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा v equals to वी अवर लेमडा। तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आगे डिवीजन कर लेंगे इनकी, तो हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 1.96 × 10⁴ हर्ट्स विच इज़ एस ए यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 देखें उसमें हमारे पास गिवन डाटा जी अ सोर्स इज प्रोड्यूसिंग 15 waves in 3 seconds, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी या वेव के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी वेव नंबर ऑफ वाइब्रेशन अवर टाइम टेकन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय टाइम टेकन। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास है 15 और टाइम टेकन है दैट इज 3, तो 15 और 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एज
5 हर्ट्स। ये फार्मूला हम एडजस्ट करेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव से। नेक्स्ट पार्ट है इसका जी कि आपने कैलकुलेट करना है इसकी वेव लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन क्रॉस एंड ट्रफ हमें गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर। चूँकि जो वेव लेंथ होती है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंजैकेटिव वेव्स। तो जब क्रॉस और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये वेव लेंथ हमारी शॉर्ट हो जाएगी। इसको हाफ कर लेंगे या टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन क्रॉस एंड ट्रफ आ जाएगी दैट इज लेमडा बाई टू इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। आप सोचेंगे ये वेव लेंथ होती है लेमडा, ये लेमडा बाई टू कहाँ से आ गया? अगर होता ना डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स तो वहाँ पे हम यूज़ करते सिर्फ लेमडा। चूँकि यहाँ पे प्रॉब्लम है मैं गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन कंजेकटिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज। तो क्रस्ट और ट्रफ का जब डिस्टेंस हो जाएगा तो उसमें हम यूज़ करेंगे लेमडा बाई टू। तो लेमडा बाई टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो लेमडा हमारे पास हो जाएगा 20। चूँकि टू डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पर जाके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वेलोसिटी। हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली था इसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया है तो अब कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी भी हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर ली थी और वेवलेंथ भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम का सलूशन आ जाएगा दैट इज़ वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी 5 हर्ट्स, वेवलेंथ हमारे पास आ गई थी 20 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट करके तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 20 सेंटीमीटर में हमारे आंसर, तो लेंथ का जो डिस्टेंस होता है फार्मूला वो मीटर होते हैं जी, वेलोसिटी उसकी कैलकुलेट करेंगे। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे 10^-2। तो 100 को और 10^-2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10^-2 मीन 1/100, और 100 और 1/100 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड विच इज़ एस आई यूनिट ऑफ वेलोसिटी।